हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है वरुण सेठ और राजा राजपाल। से हेलो टू द कैमरा। हाय, यस, यू शुड बी फिल्मिंग नाउ। आज का टॉपिक ये है कि रोडीज में सी अभी टाइम है, शो ऑन एयर चल रहा है, लगभग आपके पास प्रिपेयर करने के लिए 7-8 महीने का टाइम है, तो अभी से जीडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज फर्स्ट राउंड जीडी होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। जीडी में स्टैंड आउट करते हो, सेकेंड जीडी होता है, प्रोसीजर सेम रहता है, कंटेस्टेंट्स बढ़ते रहते हैं, तो मतलब छट के आ जाते हैं, तो आपको और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो अपना जीडी स्ट्रांग करो, अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग करो, तभी आप पीआई तक पहुंचोगे, फिर आपका चांस होगा इंडिया आउट। तो सिंपल चीज है, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जीडी रूम है छोटा सा, अभी सिद्धार्थ भी आ जाएगा, तो 4 लोग हो जाएंगे। मैं जीडी क्योंकि रोडीज के ले चुका हूं, तो मुझे पता है कि किस तरह जीडी में टॉपिक उठते हैं और कैसे लोग आंसर देते हैं और कैसे मैं खुद सिलेक्शन करता हूं, मेरा भी सिलेक्शन हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो सिंपल चीज है कि मैं, तुम लोग जीडी देने आए हो, मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं एक कि जो अल्कोहल एज है इंडिया में वो 25 रखी गई है, 25 के नीचे बार में कहीं भी अल्कोहल सर्व नहीं है, तो वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट टेक हम स्टार्ट करेंगे राजा से। देखो, मेरे को मेरे हिसाब से ये लगता है कि इसको 21 कर देना चाहिए, क्योंकि आप ओवरऑल देखो तो लोग 25 से नीचे के भी बार में जा रहे हो वो पी रहे हैं, लोग ठेके पे भी जा रहे हैं 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, वो शराब खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, तो वायलेशन ऑफ रूल तो हर जगह हो ही रहा है। तो रेदर देन कि एक लॉ वायलेट होता रहे और ये यूथ की हैबिट बन जाए कि यार चल ये तो हम करते ही आ रहे हैं, ये तो होता ही आ रहा है, तो हम उस चीज को हटा के एक उसको एक उसकी बाउंड्री बना दी जाए कि एक दायरे में रह के आप उसको कर सकते हैं। दायरा सेट हो जाना। हाँ, तो क्या बोलता है? मेरे हिसाब से तो जैसे अगर एज है तो 18 साल, जैसे एडल्ट की एज है 18 साल, तो 18 साल के ऊपर अब पर्सनल का इंडिविजुअल चॉइस है कि अगर वो चाहे तो पिए ना नहीं पिए, तो कोई 18 साल के ऊपर कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब 18 करके ऊपर 18 प्लस कोई भी कंज्यूम कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली यार मैं अगर, हाँ तो मतलब तेरा टेक ये है कि 18 तक जब एडल्ट एज 18 है तो 18 के ऊपर, अब वो पर्सनल व्यू है कि वो बंदा पिए या नहीं पिए, पर 18 एडल्ट एज है तो उसके ऊपर इंडिविजुअल यू होना चाहिए किसी का कि लेके पिए ना या नहीं पिए। मेरे हिसाब से मैं बताता हूं, मेरे हिसाब से अगर आप 18 साल के तो आपकी एज है बहुत कम। मैं खुद 18 साल का मैच्योर था, 12वीं क्लास से बच्चे मैच्योर होते हैं, हनी सिंह का गाना चलाते, गाने में धूम धूम चला रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां उड़ा रहे हैं, बाइक 100 स्पीड में चला रहे हैं, उनमें इतनी सेंस नहीं होती, लगता 18 शार्प हो गया पर सेंस नहीं होती। मेरे हिसाब से एज 25 बिल्कुल परफेक्ट है। 25 साल में मैं खुद 25 साल का था, मैंने एडल्ट एज हिट करी थी, मुझे पता है कि 25, इवन मैं 25 और 23 को कंपेयर करता हूँ मुझे ड्रास्टिक डिफरेंस दिखता है, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज लाइफ मास्टर्स से ही बाहर आ गया था, तो मैंने एक एडल्ट एज में आया, मैं ज्यादा मैच्योर हुआ, ज्यादा मेरा होराइजन बढ़ा, ज्यादा लोगों से मिला, ज्यादा एक्सपीरियंस मिला। आई थिंक एज 25 होनी चाहिए, परफेक्ट डिसीजन है गवर्नमेंट का। शराब ऐसे लोगों को खराब कर रही है, बिहार में, गुजरात में ऑलरेडी बैन कर दी गई है, ये इंडिया में पक्का फुल रूल फॉलो होना चाहिए। वरुण, अगर आप देखोगे कि आप 25 और 28 में देखोगे तो आपको उसमें भी ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, आप 28 और 32 की एज में देखोगे तो उसमें भी आपको ड्रास्टिक दिखेगा, बट 25 में आप नहीं, ये देखो 25 में इनके साथ साथ इंसान वो तो होएगा, बुढ़ापे तक मैच्योरिटी आ जाएगी, बट 25 एक ऐसी स्टेबल एज होती है, ना बंदा बच्चा होता ना बंदा अधेड़ होता, बीच एज में होता, परफेक्ट कुछ नहीं। मेरे हिसाब से कि मैच्योरिटी एज के साथ में एक्सपीरियंस के साथ आती है, जब 18 साल का बच्चा सरकार चुन सकता है, मुझे बीजेपी चाहिए, मुझे कांग्रेस चाहिए, मुझे आम आदमी पार्टी, वो अलग चीज है, वो ये डिसीजन भी ले सकता है कि मुझे नहीं पीनी है, मुझे पीनी है, मुझे कितनी पीनी है, मैं इसमें चल सकता हूँ या मैं गिर जाऊंगा या मैं ठोक सकता हूँ। यार ऐसा नहीं है ना, तू अपने आप को बता, 18 और 25 में कंपेयर करता है, ड्रास्टिक डिफरेंस मानता नहीं मानता? 18 के अंदर तू बाइक चलाता था 100-150 के नीचे, मैं तो 28 और 31 में भी ड्रास्टिक चेंज होगा, बट 28 और 31 में वो डिफरेंस नहीं होगा जो 18 और 25 में। तो सिंपल देखो गाइस, पॉइंट कट शॉर्ट क्या है, उसका अपना टेक, इसका अपना टेक, मेरा अपना टेक। इसने बोला कि कम करो, इसने बोला कम करो, अब मैंने क्या बोलना है मैं बताता हूँ। अगर मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि कम होनी चाहिए, पर मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है 10 लोग हैं, सब लोग एक फेवर में चल रहे हैं एक चीज़ के, तो आपको अलग रिव्यू, अपना ओवरव्यू देना है। जीडी में कुछ भी राइट कुछ भी रॉन्ग नहीं होता, वो आपको नहीं देखते आप कितने सज्जन हो या आपको कितना शरीफ मान रहे हो, उनको शराफत से मतलब नहीं, उनका ये है कि आप भैंसी में कितने अच्छे हो, आप कितना स्टैंड आउट करते हो। तो जीडी में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। मैंने कुछ रोडीज में 3-4 जीडी दिए थे और मैं तीनों का सिलेक्ट नहीं हुआ था, मेरा क्योंकि एक ही था, वो कहे कि यार अगर कोई लड़की है उसके मार पिटाई होनी चाहिए, मेरा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको जेल डाल दो, सब लोग यही बोलते थे, सब लोग उठ के घर चले जाते थे, क्योंकि कोई भैंसता ही नहीं था, हर बंदा बुरा नहीं बनना चाहता ना। पर जीडी देखो, जज कौन है, जज मैं हूँ, जज कोई भी बैठा है, उसको चाहिए आप स्टैंड आउट कर रहे हो, 10,000 लोग आ रहे हैं, स्टैंड आउट कैसे करोगे? स्टैंड आउट तब करोगे जब आप अलग दिखोगे। किसी को नहीं पता जीडी में क्या आंसर है, कौन लिख रहा है आपके जीडी का आंसर सही है गलत है, तो आपको मेन चीज स्टैंड आउट करना बहुत जरूरी है।
आप देखो सब फोर में बोल रहे हो तो आपको अगेंस्ट जाना है, बेशक आप गलत हो, बकवास की बात कर रहे हो, आप उसको मानते ही नहीं हो, पर आप भैंसते रहो कि मैं सही हूँ, तो 10 लोग आपसे भिड़ जाएंगे। जैसे ये भी भैंस कर रहा है, ये शर्माता लड़का, पर ये भी भैंस करता है, तो सब लोग आपसे भैंस करेंगे। अब देखो 10 लोग में 9:1 हो जाएगा, 9:1 जाएगा, वहां आप हीरो बन के सेंड आउट 100% कर चुके हो, आपका चांस पक्का है। तो फर्स्ट चीज हमेशा देखनी है कि लोग क्या बोल रहे हैं और आपको उससे परे रिव्यू देना है। बाय चांसेस हो जाएगी 10 में से 6 लोग फॉरम है और 4 आपकी जैसी नॉलेज रखते हैं, तो आप उसमें क्या करोगे, उसके अंदर आपको करना है अपनी पर्सनैलिटी से, लाउड होकर अपनी आवाज से, अपने ये नहीं खड़े होकर शोर नहीं बचाना। कुछ लोग खड़े होकर इशारे करने जाते, तू चुप रह, तू बोल, आपको जीडी कोऑर्डिनेटर नहीं बनना, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आपको अपना रिव्यू देना है रिस्पेक्टेबल वे में, बैठ के एक जेंटलमैन की तरह वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, थोड़ी पिछाई रखनी है कि आप कॉन्फिडेंस हो। ये नहीं कोई बोल रहा हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर बात नहीं, आप अपनी जगह ठीक हो ना, सबको चुप करके रखो, भाई तू चुप तू चुप तू चुप, अपनी बात से, ना कि इशारों से कि तू चुप हो जा, वहां पे आप स्टैंड आउट हो जाते। मेरे साथ यही हुआ था, 3 जीडी में मैं फॉर में बोलता गया, लास्ट टाइम कुछ टॉपिक था मुझे याद नहीं क्या था, बट मैंने उसके अंदर बकवास पेल पेल के अगेंस्ट में 10 के 10 लोग मेरे क्या 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 पीछे पड़ गए, सारे मेरे पीछे पड़ गए, उंगली उठा रहे, खड़े हो रहे हैं, ऐसे होगी बाहर जाके मार्केट हो जाएगी, बट वो 10 लोगों को मैंने चुप कर रखा था अकेले ही चिल्ला चिल्ला के, तो वहां मेरा चांस शॉर्ट आउट हो गया था। फिर दूसरा वो 10 लोग भैंसे रहे थे, अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जब 10 लोग आपको दबा देते हैं, आवाज शोर इतना मचा रहे हो पर मैं चिल्ला रहा हूँ, तो फिर मैंने एंड में वो जीडी वाला बोलता खड़े होकर, मतलब सब चुप हो जाओ, कह रहा तू बता तू इन सबसे बढ़िया क्यों है। अब मैं खड़ा होकर बीच में बोल दिया, मैं कहा ये 10 के 10 लोग है ना, इनको मेरे से किसी चीज में बढ़ा दो, मैं इनकी फाड़ के रख दूंगा। वो कह रहा क्यों भाई, तुम 10 के 10 लोग तुम चैलेंज करो किस चीज में, वो सारे तू एक दूसरे को देख रहे कि कौन चैलेंज करेगा, बस वो टाइम खत्म हो जाता है, आप वहां जीत गए, कोई खड़ा होता किस चीज में होता है, वहां पे कोई कॉम्पिटिशन तो हो नहीं जाएगा, सिंपल कोई पुशअप पुशअप करवाता, आप हारो जीतो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप नॉच होना चाहिए। तो वो 10 लोग चुप बैठ गए, बाहर जाके वही हाथ मिला रहे, भाई आपका तो हो जाएगा आपका तो हो जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस ही। सेकंड चीज जीडी में देखने वाली, हमेशा जीडी की ना लाइन के अंदर आपको देखना ऑर्डर क्या है। देखो अगर आप फर्स्ट बंदे बन के बैठे, कुछ लोग सोचते हो और नॉर्मल जब आप ऑफिस इंटरव्यू देते हो कॉर्पोरेट वाला, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बंदा फर्स्ट बोलता है उसका इंप्रेशन हमेशा से बोलते हैं, जीडी में ये सिखाया जाता है कि जो फर्स्ट टेक दे रहा है उसका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि उसने फर्स्ट अपनी वॉइस कॉन्फिडेंस बहुत हाई था तो फर्स्ट वॉइस दी है। बट रोडीज जिस जगह पे वो चीज सक्सेसफुल नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको चांस मिलेगा बोलने का। आप समझो पहली बेंच में जाके बैठ गए और 10 लोग बैठे हुए, या आप खड़े होकर पहला आंसर आपने दिया हाथ ऊपर करके, तो उसमें क्या होगा, आपने अपना टेक दे दिया, अब आपको नहीं पता लोग क्या बोल रहे हैं, तो भैंसे हो किस बात पे, आपको देखिए सब लोग आपकी तरह बोल रहे हैं, तो जीडी खत्म, फ्लॉप, आपका राउंड फ्लॉप, आपका ग्रुप फ्लॉप। तो पहले वेट करो 3-4 लोगों का क्या वो बोल रहे हैं, उसके बाद आपको खड़े होकर अपनी वॉइस देनी है, और मेक श्योर कि आप अगेंस्ट में हो जाओ सबके, सब सही है तो आप गलत हो और सब गलत है तो आप सही हो। जब ये आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो जीडी में शोर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा, उधर कॉन्फिडेंस प्ले आउट करता है। तो ये सिंपल सी चीज थी, ये हर बंदा फॉलो कर सकता है जीडी के लिए, और इसको सच में अप्लाई करना जीडी रूम में, पक्का सिलेक्शन होगा। फिर एक चीज बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि मैं खुद जीडी लेता था, इरिटेशन होती चीज में, अगर आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, कोऑर्डिनेटर को सोच रहे हो कि उसको कुछ पता नहीं है, लोगों को आप संभालो, तू चुप रहा, शोरों मचा, तुम कुछ मत देखो, तुम अपना टेक बोलते जाओ, हर बंदी की आंख में आंख डाल के सोचो, सबको अग्रेसिव कर देना, अपने ऊपर चढ़ा लेना है, जब सब आप पे चढ़ जाएंगे तो आप वहां से स्टैंड आउट करके जीत जाओगे। सो इतना सा था, ये जीडी पे अपना ध्यान रखना है, जीडी क्लियर हुआ तो सेकंड जीडी में भी सेम चीज करनी है, और सेकंड जीडी कंप्लीट होगा तो आपका पीआई के अंदर सिलेक्शन होगा, सेम कॉन्फिडेंस वहां कैरी करना, कोई आंसर नहीं लिखता आपने जीडी में क्या आंसर बोला क्या नहीं बोला, बाय चांस आपने बहुत ही कुछ गंद किसी लड़की के बारे में बोल दिया या रेप पे कुछ कमेंट कर दिया, मे बी वो राइट डाउन कर ले कि जीडी में इसने ये बोला था, बट उसको आप डिफेंड कर सकते हो। पीआई रूम में जाके सीधा बोलो, भाई सब फॉर्म में थे, मुझे अगेंस्ट बोल के स्टैंड आउट करना था, मैंने कर दिया, सच। नाउ सिलेक्शन के अंदर एक जीडी हो गया, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म है, फॉर्म के अंदर लोग आंसर देते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं देर से कि लाइफ में सबसे एडवेंचरस चीज आपने क्या करी, डूब गया था मैं, तो एडवेंचरस क्या हुआ सर, पता नहीं तो इसमें पता नहीं तो आउट है, इसने बोला मैं डूब गया था, आंसर आया पता लगा, तो अगर उनको इसकी पर्सनैलिटी बॉडी अच्छी लगी तो उसका सिलेक्शन है, यूएसपी बॉडी है और आंसर अच्छा लगा। अब मैं फॉर्म देखे उस दिन कम से कम ये तो 1000 फॉर्म में 70% लोगों ने क्या लेकर, मैंने पुलिस वाले को पीटा और डिक्की में डाल के ले गया गई मतलब यार ये फेक है, कौन पुलिस वाले को पीट के डिक्की में डाल सकता है,
बकवास का आंसर, ये बकवास के बेहूदे आंसर बन करो कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान काट दिया, मैंने पुलिस वाले के थप्पड़ मार दिया, ये कोई नहीं करता है। करोगे तो बदतमीज और करोगे तो बदतमीज लोगे, तो ये आंसर करने बंद करो। जो सच है ना अपनी लाइफ एक्सपीरियंस फॉर्म में लिखा करो, उधर से आपकी ना पर्सनैलिटी समझ आती है, ना कि जीडी के ओवरव्यू से या किसी से, क्योंकि फॉर्म जाएगा जजेस पे, जजेस फॉर्म रीड करते हैं हर एक क्वेश्चन, उससे आपकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट करती है। तो फॉर्म अच्छा हो, जैसे मेरे से पूछो सबसे एडवेंचरस क्या करा, मैंने कहा मैंने घंटा कुछ भी एडवेंचरस करा यार, पढ़ाई लिखाई में मास्टर्स में 5-6 साल निकाल दिए अपनी लाइफ के, 6 साल क्या टाइम ही नहीं मिला एडवेंचरस करने का, मैंने इंडिया के बाहर नहीं गया मैं। तो उसमें सच्चा आंसर लिखो, आपकी पर्सनैलिटी उन्हें जो जीडी में पसंद आई है ना, तो वही पर्सनैलिटी फॉर्म पर छपेगी और वही पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। कुछ ज्यादा फॉर्म को एडवेंचरस मत बना दो, सिंपल फॉर्म, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग, आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग, तो आप सेंड आउट अपने आप कर जाओगे। फॉर्म के अंदर झूठ बिल्कुल नहीं लिखना आप क्या करते हो उसके अंदर। बताओ एक मेरे साथ एक लड़का गया था, उसने क्या लिखा कि मैंने सबसे एडवेंचरस क्या करा है, मैंने अपने जूते के बूट में वोडका डाल के पी। अब बताया वो जीडी वाला खींच गया उसकी, तूने जूते के बूट में वोडका डाल के पी गया, तू तो बड़ा बेहूदा आदमी है। तो वो बंदा शर्मा गया वहां पे, कह रहा मैंने करा, मेरा एडवेंचर है। तो बकवास अतरंगी आंसर नहीं चाहिए, करा एडवेंचरस तो बताओ भाई, जो भी एडवेंचरस लाइफ में बंजी जंपिंग करी है, कुत्ते बिल्ली बचाए हैं, कुछ भी करा है तो बता दो, बट सच बताओ। लाइफ का एक्सपीरियंस होगा वो सच्चा होगा तो उसका आंसर भी दे पाओगे, झूठ लिखोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और जजेस यार हजारों कंटेस्टेंट देखते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको एक सेकंड में समझ आ जाता है कब आप झूठ बोल रहे हो कब नहीं। यार वो तो जजेस हैं, मैं खुद जीडी लेके 1000 फॉर्म में समझ गया था झूठा है सच्चा है ये नहीं है। तो सच आंसर और कोई बकवास, नंगा नहीं जाना। कुछ लोग क्या करते हैं नंगे आके बैठ जाते हैं अंदर, कोई देश का झंडा बांध के बैठ गया मफरल, फेक नहीं करना, पर्सनैलिटी जो है वही दिखानी है, क्योंकि वो लोग बड़े तेज होते हैं, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक सब खोल के देख लेते हैं, आप पसंद आ गया ना उनको, तो नेक्स्ट जब सेकंड जीटी में सिलेक्शन होता है तो अगर वो 60 बंदे बुला रहे तो 60 बंदों की फेसबुक और इंस्टाग्राम छान मारते हैं। अगर आप फेक करके वहाँ पे दिख के ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट और लाइफ में वो बेकार हो तो वो आपको सर्च करेंगे कि इसका तो इंस्टाग्राम बोरिंग है, इसका फेसबुक बोरिंग है, ये तो ना कहीं रिस्पॉन्स देता है, ना कहीं ओवरव्यू देता है, किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं है, कहीं अपना टेक ही नहीं देता। तो वहाँ से पर्सनैलिटी समझ आ जाती है, क्योंकि रियल बंदा अगर कहीं ना कहीं कुछ कुछ पोस्ट कर रहा है ना, उसकी पर्सनैलिटी दिखती है फोटोज में, वीडियोज में, उसकी स्टोरीज में, तो वो हर चीज आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी वो है जो आप दिखा रहे हो, और उसके बाद वो 10,000 लोग में 60 लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर वो 60 लोग आएंगे, फिर जीडी का ये प्रोसीजर चलेगा। तो ये सिंपल से पॉइंट है, छोटे छोटे इनको ध्यान रखोगे तो जीडी ऐसे निकल जाएगा। बस यही था टॉपिक है ना, थैंक यू वरुण कॉपरेट करने के लिए, ये बड़ी मुश्किल से आया हमारे पास, और अब वो एंड कर दिया चैनल हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बोलना एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन बजा दो, घंटा टन टन टन, और बेल आइकन बजा दो कैसे टन टन टन, तो बेल आइकन को बजा दो और बाकी कमेंट्स करो आपको वरुण सेठ कैसा लगा। हमारा दोस्त बड़ी मुश्किल से बुलाया है, एक जनरल ओवरव्यू के लिए, एक आम बंदे का ओवरव्यू क्या होता है। सो बी कॉन्फिडेंट और अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, बॉडी इन चीज़ों की कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, बस एक यूएसपी है, बट मेन आपकी पर्सनैलिटी, आपका इनर कॉन्फिडेंस है, वो कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कैलिस्थेनिक्स वगैरह वगैरह एक एक्स्ट्रा चीज़ें बनती जाती हैं, बट फर्स्ट अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग करो। अगर पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग होगा, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो ओवर अब खुद ही निकल के आएगा, फिर बाकी एक्स्ट्रा बॉडी डांस वगैरह सब एक्स्ट्रा है, वीडियो सिलेक्शन हो जाएगा, रोडीज में हो जाएगा। कीप वर्किंग, चीयर्स।